दोस्तों ये घटना चाइना की है, जब लियान योई नाम के एक 11 साल के बच्चे की ब्रेन कैंसर की वजह से मौत हो गई। लेकिन उसके मरने के बाद हॉस्पिटल का नजारा देखिए, कैसे डॉक्टर्स उसकी डेड बॉडी के सामने सर झुकाए खड़े हैं। इसका कारण जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। दरअसल जब इस बच्चे को ब्रेन कैंसर हुआ तो उसके सर में बहुत दर्द होने लगा। शुरुआत में तो इस बच्चे के पेरेंट्स को लगा कि ये सिर्फ नॉर्मल सर दर्द है, लेकिन जब परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो हर कोई हैरान रह गया, उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उस समय उस बच्चे और उसके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। पर ये बच्चा सबसे अलग था, क्योंकि इसने अपनी माँ को गले लगाकर ऐसी बात कही जो कि सिर्फ 11 साल के बच्चे से शायद ही कोई उम्मीद कर सकता है। उसने कहा कि वो भले ही इस दुनिया से जा रहा है, लेकिन वो उनके साथ हमेशा रहेगा। इसलिए वो चाहता है कि उसके शरीर के जितने भी हिस्से पूरी तरह से काम कर रहे हैं, वो उन जरूरतमंद बच्चों को मिल जाएं जिन्हें इनकी जरूरत है। अपने छोटे से बच्चे से ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल आए। इसी कारण डॉक्टर्स ने भी उस मरने वाले बच्चे को सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी।